The most powerful natural keratin to straighten frizzy hair from the first use. Hair smoothing straightening treatment at home. जी हाँ दोस्तों, आज हम बनाना यानी कि केले का इस्तेमाल करके ड्राई डैमेज बाल को रिपेयर करेंगे। अगर आपके बाल झाड़ू जैसे रूखे सूखे बेजाने, ये आपको स्कैल्प में फंगल इन्फेक्शन हो गया, स्कैल्प से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम होगी, बालों से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम होगी, उन सभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। काफ़ी पावरफुल वीडियो होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर जो मैं इंग्रेडिएंट्स मिलाऊंगा बनाने के अंदर, वो सभी इंग्रेडिएंट्स आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होंगे, बालों के लिए और स्कैल्प के लिए। तो इस वीडियो पर बने रहना एंड तक, एक सेकंड भी स्किप नहीं करना। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मार्केट में से बनाना ले आना है। जी हाँ दोस्तों, पका हुआ बनाना का इस्तेमाल करना है। अगर आपके बालों की लंबाई ज़्यादा हो तो 2 से 3 बनाना भी आप ले सकते हो, वरना सिर्फ 1 बनाना को कट कर लेना है। सबसे पहले हम बात करेंगे बनाना के फ़ायदे की। तो बनाना यानी कि केला आपके हेयर की इलेक्ट्रिसिटी इंक्रीज करता है, थिकनेस को बढ़ाता है, जिससे आपके बाल की स्ट्रॉन्गनेस यानी बाल मजबूत बनते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके बाल काफ़ी थिन हैं, बालों का टेक्सचर बिल्कुल डल हो गया है, तो ये बनाना आपके बालों का टेक्सचर को भी इम्प्रूव करेगा, स्प्लिट एंड्स को भी कम करने में फ़ायदेमंद माना जाता है। तो आपको एक बनाना को कट करके एक बाउल के अंदर निकाल लेना है। अब आपको इसके अंदर 5 से 7 ग्राम के करीब नेचुरल एलोवेरा जेल लेना है, प्लांट बेस्ड एलोवेरा जेल को ऐड कर देना है। एलोवेरा जेल क्या करेगी, अगर आपके बाल धूप से UVA से डैमेज हुए तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एलोवेरा जेल फायदेमंद होता है। अगर आपको स्कैल्प के अंदर इचनेस आ गई है तो इचनेस को, फंगल इन्फेक्शन को कम करने के लिए, बालों में स्ट्रेंथ देने के लिए एलोवेरा जेल फायदेमंद मानी जाती है। तो एलोवेरा जेल को आपको बनाने के अंदर ऐड कर देना है। अब आपको इसके अंदर तीसरी चीज़ ऐड करना हुआ है, हनी। हनी 1 स्पून के करीब आपको एलोवेरा जेल और लार्ज बनाना जो हमने कट किया उसके अंदर ऐड कर देना है। हनी हमारे बालों को ब्राइटन बनाएगी। हनी के अंदर इमोलिएंट प्रॉपर्टीज पाई गई है जो आपके हेयर के फॉलिकल्स को स्मूथ करती है, शाइन ऐड करती है। अगर आपके बाल ड्राई है, डैमेज है काफ़ी ज़्यादा, या हीट से डैमेज हो गए, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हनी फायदेमंद होगी। तो 1 स्पून आपको हनी भी इन दोनों चीज़ों के अंदर ऐड कर देना है, मिला देना है। अब आपको इसके अंदर लास्ट चीज़ ऐड करना हुआ है, कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल बहुत ज़्यादा स्टिकी होता है, ये बालों का लुब्रिकेट होता है। अगर आपके बाल हद से ज़्यादा ड्राई डैमेज है, काफ़ी कमज़ोर है, तो उनके लिए, बालों की वीकनेस को इम्प्रूव करने के लिए कैस्टर ऑयल को 1 स्पून के करीब आपको मिला देना है। इन सभी चीज़ों को मिक्स करने के बाद आपको इसको मिक्सर में अच्छे से पीसना है, बिल्कुल बारीकी से पीस कर इसका स्मूथ पेस्ट क्रीम तैयार कर लेना है। जैसे पीसने के बाद ये कुछ इस तरीके से क्रीम तैयार हो जाएगी। बात करेंगे इस क्रीम को कैसे यूज़ करना है। आपको सबसे पहले बालों को क्लीन कर लेना है, धो लेना है शैम्पू की मदद से। बिल्कुल अच्छे से बालों को धोने के बाद हल्के बालों को टॉवल ड्राई करके सुखा लेना है। उसके बाद इस क्रीम का एप्लीकेशन करना है, बिल्कुल अच्छे से स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे सेक्शन लेके बालों पर लगाना है अच्छे से। पूरे बालों पर लगाने के बाद कम से कम 30 मिनट या 20 मिनट भी इस क्रीम को रख सकते हो। उसके बाद हल्के गुनगुने पानी यानी कि लूक वॉर्म वाटर से आप बालों को क्लीन कर देना अच्छे से। ऐसा करने से आपके बाल स्मूथ, शाइनी, टेंगल फ्री होंगे, लेकिन इससे कोई बाल स्ट्रेट नहीं होते। तो उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।